हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। और सी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि कन्वर्ट करेगा किलोग्राम को ग्राम में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेना है। कोड ब्लॉक्स मैंने ओपन किया, आपके पास जो भी आईडी है उसे आप ओपन कर सकते हैं। और यहां पर फाइल पे जाकर के आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लिक कर दिया, अब यहां पर आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम बना लेते हैं मेन फंक्शन। तो ये बना लिया हमने मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन को लिखने के बाद यहां पर कर्ली ब्रेसेस को कर लेते हैं ओपन। कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया, अब यहां पर हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। कौन सा डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप को यूज करने के पीछे रीजन है कि अगर हम पॉइंट में भी टाइप करना चाहें तो वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं किलोग्राम के नाम से, ये बना लिया किलोग्राम कुछ इस तरीके से। और किलोग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन देने के बाद यहां पे प्रिंट करवाएंगे। तो क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहां पर लिखते हैं प्रिंट है, प्रिंट करवाने के लिए और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर हम देंगे लाइक एंटर, यहां पर लिखता हूं मैं एंटर इन केजी और किलोग्राम कर सकते हैं, केजी कर देता हूं मैं, एंटर इन केजी, ठीक है। तो कुछ भी केजी में आप एंटर करिए, ओके। यहां पे टर्मिनेट करता हूं, इसको टर्मिनेट करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे। क्योंकि यूजर इनपुट करेगा ये, तो इसीलिए लगाता हूं स्कैनफ। स्कैनफ लगा दिया, यहां पे डबल ट्रेड कोट्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना है, चूंकि फ्लोट वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहां पे फ्लोट लिया है हमने, तो यहां पे क्या लगाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिल्कुल ठीक, परसेंट एफ। तो यहां पे लगा दिया हमने परसेंट एफ। अब ये तो काम हो गया हमारा, यहां पर आएंगे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर लिखना है एंड का साइन लगाना इस तरीके से, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने और इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, ठीक है। इसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ। और हमने बनाया है किलोग्राम, तो यहां पर सिंपली लिख दीजिए किलोग्राम, इस तरीके से लिख दीजिए, बस काम हो गया है। यहां पर कर दीजिए टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के बाद एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहां पे क्या करना है, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं, वो कौन सा वेरिएबल होगा, वो ग्राम के नाम से होगा, ठीक है। ग्राम, जी आर ए एम, ये लिख दिया हमने। अब हमें करना क्या है, यहां पर एंटर करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर ये जो ग्राम है वो फ्लोट में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर लिखना है ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू 1000, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो इसीलिए मैं 1000 से इसको कर देता हूं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद टर्मिनेट कर दीजिए, काम बहुत ही आसान हो गया है। यहां पे लिखिए प्रिंट एफ कुछ इस तरीके से, ये लिख दिया हमने प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखने के बाद डबल ट्रेड कोट्स को ओपन कीजिए और यहां पर दे दीजिए आप परसेंट एफ, ठीक है। परसेंट एफ यहां पे लिख देता हूं ग्राम, ओके। डबल ट्रेड कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहां पर ग्राम को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये करवा दिया हमने प्रिंट, काम हमारा हो गया है। अब इसको करते हैं सेव, इस प्रोग्राम को यहां पर जाकर के सेव फाइल पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे ही मैं कर लेता हूं इसको सेव। तो मैं इसे केजी के नाम से सेव कर देने वाला हूं। तो यहां पर लिख देते हैं केजी और डॉट सी लगाना मत भूलिएगा, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर के तैयार है, अब एक बार इसको कंपाइल करवाते हैं। तो यहां बिल्ड पे चलते हैं और कंपाइल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंपाइल पे क्लिक किया तो देखा आपने कि ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, कोई एरर मैसेज नहीं आया, ठीक है। और अब इसको रन करवा लेते हैं। तो ये करवा दिया हमने रन, अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर इन केजी। तो चलिए किलोग्राम में लिखते हैं, 1 किलोग्राम की बात करते हैं। यहां 1 लिखा मैंने, सिंपली 1। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम आ रहा है ना, ठीक है। चलिए इसी प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं, यहां पर क्लिक कर देता हूं मैं, फिर ये रन हो चुका है। अब 5 किलोग्राम बराबर देखते हैं कितने ग्राम होते हैं। तो यहां जैसे ही 5 टाइप किया तो आप देख सकते हैं 5000 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब फिर मैं क्या करता हूं, एक बार और इसको रन करवाता हूं, ये रन करवाया हमने। इस बार हम क्या करते हैं, डेसिमल में टाइप करते हैं, देखते हैं लेता है या नहीं। 5.2 ये केजी में है, ठीक है। तो 5.2 किलोग्राम को ये ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है और यहां 5200 ग्राम होते हैं 5.2 किलोग्राम में, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी आपके कि इसको कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।